तो रख सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर के एक और ऐसे कार्य की तरफ जिसे लापरवाही का दूसरा नाम दिया जा सकता है। और विषय कितना गंभीर है कि विभाग पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है, क्या सोच के विभाग ने अपने आप को व्यवस्थित करके रखा हुआ है, जहां पर कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की जो एक कार्यशैली पे सवालिया निशान बनता है वो साक्षात दिखने लगता है। मैं विभाग का विरोधी नहीं रहा हूं, लेकिन विभाग की जो कार्यशैली रहती है उस कार्यशैली को जब हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, तो वो व्यवहारिक नज़र नहीं आती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर लापरवाही का शब्द इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है और यही मैं आज आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ। मेहरे से बिजली जाने वाले रोड के साथ में सरला बड्डू एक लिंक रोड है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये देखिए रोड का, यहाँ पर ये सरला से चकमो सड़क का उन्नयन जो है ये बनाया गया है। इसको ये SKM एंटरप्राइजेज लखनऊ की कोई कंपनी जिसको टेंडर दिया गया था और 1/7/2020 से 31/6/2021 तक इस कार्य को ख़त्म करने की ये समय सीमा थी, लेकिन इसका रखरखाव भी 1 जुलाई से शुरू हो जाना था जो कि 2026 तक होना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बन रहा है। साहब आप इस बोर्ड को तो देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ ये थी कि 31/6 तक ये बनना था। बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि बीच में थोड़ा कोरोना का समय रहा तो हो सकता है किसी वजह से थोड़ा डिले हो गया हो, लेकिन अब तो कोरोना का भी कहीं ना कहीं जो बहाना है वो नहीं चलेगा। और ऐसे में आप देखिए इस रोड के ऊपर ये जो हवा धूल फांकते हुए लोग हैं और ये सड़क की जो व्यवस्था है वो कितनी ख़राब है। मैं आपको पहले भी शायद एक बार इस रोड को दिखा चुका हूँ और मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। ये रोड आगे तक पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रोड पूरा इसी तरह से बिखरा पड़ा है और ना ठेकेदार का पता है ना पीडब्ल्यूडी विभाग के कान पे कोई जू रेंग रही है। सबसे पहला सवाल मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से ये है कि आप ये बताइए कि आपकी जिम्मेवारियां हैं क्या और कौन तय करेगा कि आप जो कार्य करवा रहे हैं वो कार्य जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं, सही किए जा रहे हैं। एकदम जनता को मूर्ख बनाने का, जनता को धोखा देने का आप लोगों ने ठेका लेकर रखा हुआ है और ठेकेदारों के माध्यम से आप जो लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मैं पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली को आपके बीच में ला चुका हूँ, रख चुका हूँ कि इतना लापरवाह डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है। जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है लोगों की सुविधाओं के लिए तो रोडों की इस तरह की हालत आखिर क्यों? पिछले 1 साल 1.5 साल से ये रोड बनता हुआ नज़र आ रहा है, ना यहाँ ठेकेदार का पता है और ना ही कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। इस रोड पे सैकड़ों वाहन रोज चलते हैं और कितने गांव के लोग यहां से आप देखेंगे मेरे खड़े खड़े कितने वाहन, अभी ये गाड़ी जा रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस रोड के ऊपर जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं। सबसे बड़ा विषय ये आता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी जवाबदेही किस आधार पर तय करता है और किस आधार पर इस बात को समझना चाहता है कि जो लोग हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी का कोई सबब उनको नहीं है, कोई जिम्मेवारी उनको नहीं है। ये एक बड़ा विषय मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का रखना चाहता हूँ जो कि आप सरला से चकमो रोड के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर ये गाड़ी वाले खड़े हैं, भाई साहब ये लोकल यहाँ के होंगे, मैं इनसे आपकी बात कराऊँगा। अच्छा आप ये बताइए कितने समय से ये रोड इसी तरह से ख़राब है और कहाँ तक ये रोड अभी ख़राब है और कहाँ से ठीक है? सर इस सड़क को 2-2.5 साल हो गए, बहुत बुरा हाल है सड़क का जी। हमारी गाड़ियों का इतना बुरा हाल है, कोई चिमटे खुल रहे हैं, कोई फलाना को तो मकाना, कोई बच्चे गिर रहे हैं सड़क के ऊपर, बाइक के ऊपर, इतना बुरा हाल है, बहुत दुखी है सड़क से। कहाँ तक ये रोड बन चुका है और कहाँ से खराब है? ये सर थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये 1 किलोमीटर का टोटल बीच में और बनाते बनाते भाग गया ये बंदा, सारे भाग गए। हाँ जी। तो आप लोगों ने कभी बात की है डिपार्टमेंट से, कुछ लोगों से क्या बोलते हैं? तो सर कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी, जब भी 1100 नंबर पे कॉल करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि उनको बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, कौन सुनने वाला हमारे जी। और बहुत दुखी है सड़क से, इतने ज़्यादा दुखी है कि पूछो मत। ये जो विषय मैं आपके बीच में रख रहा हूँ ये बड़ा ही गंभीर विषय है। ना यहाँ के नेताओं को परवाह है, ना यहाँ के अधिकारियों को कर्मचारियों को परवाह है,
और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को परवाह है जो अपने आप को सामाजिक आदमी जिम्मेवारी लेने वाला बोलता है। इतनी परेशानी इस रोड पे, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, आगे की पूरी व्यवस्था दिखाऊंगा, आगे तक रोड तक लेकर चलूंगा और आपको दिखाऊंगा आगे तक। ये हालत है कि पता नहीं क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग इस रोड को नहीं, मुझे ये सुनने में आया है, हमारे सूत्रों से ये थोड़ा जानकारियाँ मिली हैं कि जी जो ठेकेदार इस कार्य को कर रहा था उसके पास फंड की समस्या आ गई, बजट कम हो गया, उसके पास पैसों की तंगी आ गई, इसलिए रोड ये नहीं बना पा रहा है। ये सवाल आपको समझ में आता है क्या? ये कौन सा सिस्टम है कि एक ठेकेदार को आपने कार्य दिया है, उसके सारे नॉर्म्स चेक किए हैं, उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने पूरी की हैं और आज उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो बहाना मार के अपने काम को छोड़ देगा? अगर आपके पास कोई पावर्स नहीं हैं तो आप टेंडर किस आधार पर देते हैं और क्या चेक करते हैं, किस आधार पर आप चेक करते हैं कि किस तरह का कार्य होना चाहिए? कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को मैं आगे आपको लेकर चलूँगा, आगे से आपको मैं दिखाऊँगा, आप इस पूरे रोड को देखिए और पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी कार्यशैली को एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करे, आत्मचिंतन करे। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आत्मचिंतन करेंगे ये चार सीटें हारने के बाद, मैं मुख्यमंत्री साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे बड़ा आत्मचिंतन और क्या हो सकता है कि जब आपके सामने इस तरह की समस्याएं मीडिया उठा के लाता है और आपके अधिकारी फिर सोए रहते हैं, उनको डर ही किसी का नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अधिकारी जो इसमें लेनदेन भी कर रहे हैं, इसके अंदर जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको इसका दंड मिलना चाहिए, उनको भी इस मामले में सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों वो कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसे ठेकेदारों को कार्य दिए गए हैं जो ठेकेदार कार्यों को पूरा करने के लायक नहीं है। आप देखिए 458 लाख, यानी कि 4,58,00,000 का, 4.5 करोड़ का ये टेंडर है, कोई छोटा अमाउंट थोड़ी ना है सर। 4.5 करोड़ रुपये आपने किसी को टेंडर दिया है और उसकी आप नेटवर्क चेक नहीं कर रहे हैं, उसका पीछे का कोई स्टेटस चेक नहीं कर रहे हैं कि उसके पास कितनी वर्थ है, कितना पैसा लगाना है, तो फिर क्या करें? पब्लिक फाइनेंस करें इसको या पीडब्ल्यूडी फाइनेंस करेगा? तो कहीं ना कहीं इस सवाल पे मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ, मेरे साथ आप बने रहिए, आगे रोड पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की हालत। ये देखिए, आप देखेंगे पोल्यूशन अलग जगह हो रहा है, गाड़ियों की हालत अलग ख़राब हो रही है, लोग परेशान अलग हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, आगे की व्यवस्था भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको इस रोड को दिखा रहा हूँ, ये सरला बड्डू रोड है और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली मैंने आपके सामने रखी है, सारी बातें आपके बीच में रखी हैं, मेरे सहयोगी यहाँ से भी दिखाएंगे। देखिए कितना मुश्किल समय होता है जब दो दो साल एक रोड को बनाने के लिए लग जाएंगे, कहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, कहाँ कर्मचारी हैं, ना कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई व्यक्ति इस बात को सुनने वाला समझने वाला नहीं है कि ये रोडों की अनदेखी हो रही है, ये क्यों है? ठेकेदारों के पास जैसे कि सुनने में आया है कि उसके पास बजट की कमी है, एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है टेक्निकलिटी क्या है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग देखेगा, लेकिन सड़कों की इस तरह की हालत पिछले 6-6 महीने के 1 साल से देखिए अगर बनी रहेगी, आप देखेंगे कोई स्कूटी वाला लोग जा रहा है, कोई किसी तरह का पेशेंट भी जा रहा है, किसी तरह के भी लोग जा रहे हैं, अगर इस तरह से लापरवाहियाँ होंगी पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर क्यों जिम्मेवारी नहीं लेता? देखिए आप देखिए ये रोड की हालत है, जब आप दो दो चार चार इंच की टायरिंग, ये जो पूरी देखिए ये उखड़ी हुई है, पूरी पूरी रोड ही उखड़ी हुई है, तो ऐसे में क्यों विभाग के पास ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है? अगर जेई साहब यहाँ पर देखें या एक्शन साहब यहाँ पर देखें आकर, तो क्यों कमियाँ नज़र आ रही हैं? इस रोड को बनाने का जो मकसद है पीडब्ल्यूडी का, वो ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन लोगों की सुविधाएं आज नरक जैसी ज़िंदगी में रह गई हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई हैं, बहुत सारे लोग इस विषय पे बोल रहे हैं कि जी अब हम इस रोड को बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि अगर दो दो साल एक रोड को बनाने के लिए लग जाएंगे, अब टेक्निकलिटी क्या है आपके पास, उसके पास फंड नहीं है ठेकेदार के पास में, या जब आपने टेंडर दिए थे उसमें उसका क्या प्रावधान था, ये तो आप लोगों को ही देखना है क्योंकि आप लोग विभाग के लोग हैं। अगर आप लोग कुंभकर्ण की नींद सोए रहेंगे और रोडों की हालत दो दो साल तक बनी रहेगी, तो फिर आपके होने का फ़ायदा क्या है? और वैसे भी पैसा वेस्ट डिपार्टमेंट का टैग जो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी को मिला है, वो कहीं ना कहीं वाजिब सा नज़र आता है यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए। तो मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लेकर त्वरित कोई एक्शन लिया जाए। अगर ठेकेदार लाइबल नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तो ये भी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि गलतियाँ आपकी हैं, आपने टेंडर दिया है तो उसके नॉर्म्स क्यों नहीं आपने तय किए हैं? सुनने में तो ये भी आया है कि जो ठेकेदार हैं ये बाहर के हैं और बाहर के ठेकेदार
यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं लेकर आए हैं, किस तरह का कोई भी उनके पास सिस्टम नहीं था, केवल एक गाड़ी लेकर आए, यहाँ पर उनको टेंडर दे दिया गया। मुझे तो ये लगता है कि इस टेंडर प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं धांधलियाँ बरती गई होंगी, और अगर ऐसा है तो वो जरूर देखना चाहिए विभाग को कि इस तरह का रवैया, ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि वो ठेकेदार कैपेबल नहीं है काम करने की, तो आप उसको टेंडर को कैंसिल कीजिए, किसी दूसरे ठेकेदार से काम कराइए। लोग इस बात के लिए क्यों सफ़र कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर क्यों जिम्मेवारी इस पर नहीं ले रहा है, ये विभाग को सोचना चाहिए। और वैसे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपके अंडर में ये पीडब्ल्यूडी विभाग आता है, ये कहीं ना कहीं सवाल आपसे भी पूछना बनता है हमारा, कि आपका डिपार्टमेंट आपके अंडर में जो है, अब देखिए एक बाइक वाला आ रहा है, अब ये नॉर्मली आप देखेंगे कि कितनी मुश्किल होती है जब इस तरह की रोड़ी उखड़ी रहती है, पूरा रोड डेढ़ दो साल से ख़राब है, मिट्टी भी उड़ती है, पोल्यूशन भी होता है, और सैकड़ों वाहन यहाँ से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग को अब इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना पड़ेगा। ये ढुलमुल जो रवैया है आपका, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों का गुस्सा इस बात में जायज़ है, वाजिब है कि एक तो पास में घर हैं, पूरा मिट्टी इनके घरों में उड़ के जाती है, और भी लोग इस सैकड़ों वाहन इस रोड पे जाते हैं, क्योंकि ये पूरा रोड आपका शॉर्टकट एक तरफ से बाबा बालकनाथ के लिए निकलता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को पीडब्ल्यूडी विभाग को समझना पड़ेगा और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस रोड की व्यवस्था में जो कमियां हैं या जिस वजह से ये रोड नहीं बन पा रहा है, उसको दूर किया जाए, चाहे वो कोई भी तरीका हो। अब ये तरीके आप लोगों ने देखने, तरीके लोग नहीं देखेंगे, ये आप लोगों को सैलरी सरकार इसीलिए देती है कि आप तरीके देखें। अगर ठेकेदार की गलती है तो उसको पेनल्टी लगाई जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, उसको उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। क्यों आखिर वो जवाबदेह नहीं ले रहा है, जब उसने काम लिया है तो जवाबदेह लेनी पड़ेगी। अब उसके पास पैसा नहीं है कि है, ये मैटर हमारा नहीं है, ये मैटर पीडब्ल्यूडी विभाग का देखना है। और जब आप टेंडर देते हैं तब आप इस बात को देखिए कि पार्टी कितनी सॉलिड है, उसका वर्क डन का रिपोर्ट क्या है और उसके नॉर्म्स क्या हैं। लोगों को आप सफ़र कर रहे हैं और आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन जेईस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के रवैये के लिए जिम्मेवार हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर की जो लापरवाही आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, पूरा रोड आप सरला से लेकर और पूरा आगे तक, सुनने में आया कि पूरा रोड आगे तक ही ऐसे, हालांकि मैं आगे तक नहीं गया हूँ, या कुछ हिस्सा बना भी है इसका पीछे, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पूरी आगे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, चाहे ये 400 मीटर का, 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का ही गैप है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इसको लेकर तुरंत काम करना चाहिए और कोई ना कोई सही समाधान निकालना चाहिए, ताकि लोगों की जो समस्या है उससे उनको निजात मिल सके, और जो खतरा लोगों पे बना हुआ है, पोल्यूशन का भी बना हुआ है, एक्सीडेंट का भी बना हुआ है, उससे भी बचाया जा सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।